एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को चार शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि 100 रीजन है लड़कों को दोबारा शादी करने के, 100 रीजन है, ठीक है। हाँ लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है, हमें सिर्फ एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का। हाँ तो पॉलीगैमस लड़कों के लिए अपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा, लेकिन पॉलीगैमस लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारे लड़के होते हैं जो पॉलीगैमस होते हैं, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था किया ही नहीं। मतलब हाँ एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को दो या तीन चार शादी करना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं इसलिए है। आप नहीं कर सकती हैं, वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो आपको अच्छा, पता नहीं तो चलेगा किस किसका बच्चा है, तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है, औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अल्लाह इल्म में गायब है, अल्लाह को कयामत तक पता है कयामत में क्या होने वाला है, और अल्लाह को ये नहीं पता था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये अल्लाह को पता ही नहीं हाँ था, पता नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को ये बात। तो अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था, तो जब हाँ यही तो रसूलुल्लाह को बात डीएनए है। का नहीं, डीएनए टेस्ट का नहीं पता था तो हाँ, अल्लाह को भी नहीं पता होगा, तो दैट्स द ये पॉइंट, रीजन तो एकदम बोंगी है ये जी। तो बात है, यही तो बात है। अल्लाह का अच्छा, बाप रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह का बाप दो फेक आईडी, अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा अच्छा, गे एंड लेस्बियन, गे एंड लेस्बियन होना गुना है, गे हो तो गुना है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया जकर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे हाँ लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको हाँ कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास, हाँ ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के, ए जाके नाइटे बोला। अरे यार ये वाला बयान तो उसका, मैंने इतना भारी आर्गुमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका, कि एक मर्द अच्छा जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ, लेडी के साथ अगर बार बार नहीं सेक्स नहीं करे। बार बार नहीं, नहीं नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा बहुत सारे बहुत एक्सपेरिमेंट करे। हाँ अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियां हाँ खलीफा मिल गई, सनी हाँ लियोनी, हाँ सबको हाँ ट्राई कर लिया, अब उसका मूड खत्म बोर हो हो गया गया तो अब वो नया ट्राई करना है तो उसको मर्द चाहिए, जी ऐसा ऐसा मतलब मेरे जी ख्याल से जाकिर नायक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ, इस्लाम की हो वजह से वो सकता है, रुक जाता होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई, क्योंकि बहुत सारे मर्द है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं, ये रियलिटी है कि औरतों के पास वो कभी नहीं गया, एंड वो उसको लड़का ही अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट लाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे, तो अगर ये गुना है तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? आई मीन वो क्या करेंगे? आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो एक लड़की जिसको लड़की पसंद है वो क्या करेगा? उसको लड़का पसंद नहीं है वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। एंड यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी, अच्छा जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, एक इसका जवाब देना चाहता हूं, जो इस चीज को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सजा है। अब देखिए इसमें दो आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक आर्गुमेंट तो ये है कि भाई गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड सेम सेक्स, इट इज नेचुरल, ठीक है। जी अगर आप इसको नेचुरल मानते हो तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेचुरल जी है वो, आपने खुदा ने उसके अंदर डाला, तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सजा क्यों, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन, तो भाई अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सजा नहीं होनी चाहिए, हाँ तो ना जी अगर नेचुरल है तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सजा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले जाओ। अंदर इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है, तो ऐसा कौन करता है यार।
जी, तो ये आई होप के लोगों को ये चीज समझ में आई होगी गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सजा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सजा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी आप आगे कंटिन्यू करिए, आई एम सॉरी मैं आपको रोका। जी तहमीन जी, आपकी आवाज रुक गई है। हेलो, अभी जी, बोलिए। हाँ आ रहा है? अच्छा अच्छा हाँ आ रही है, अच्छा बोलिए। अच्छा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में। हाँ, तो इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से बहुत प्रॉब्लम था। तो 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा, शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने 2014 से मैंने पूरा हिजाब पहनना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी, एंड 5 टाइम मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज करना ही है ऐसे सूरा से, एंड रोजा रखना शुरू कर दिया। तो उस समय मैं कुछ ये जो जाकिर नायक है, मुफ्ती मेनन है, उन लोगों की बात मैं ज्यादा सुन रही थी उस समय से, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े बड़े स्कॉलर है, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए। तो ऐसे पहले पहले मैं जाकिर नायक को यहाँ लेके एक बात करूंगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वॉज डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ हिम। एक समय था जब मैंने मुझे इस्लाम बड़ा सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ, क्योंकि जाकिर नायक, द रीजन वॉज जाकिर नायक। एंड मैंने डाउट भी शुरू करने की, मेरा डाउट भी ज्यादा हुआ ये जाकिर नायक को सुनने की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि जाकिर नायक ही एक्चुअली ही इज अ वेरी, इन माई माइंड, इन माई ओपिनियन, ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, के वो आपके विश्वास को जीतते हैं अपना इंटेलेक्चुअल दिखा के, कि वो ऐसे मुंह के ऊपर वो फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे, उस बुक पे, उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जीतना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा लाइक कट्टर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव, उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं, रिचुअल होते हैं, वहां से आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड इस्लाम मुस्लिम को वो एक लाइक ए वन साइड करना चाहते हैं, एंड दुनिया से, पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है, वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं भी ये बात में बोलूंगी। अच्छा तो ये है कि अच्छा तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में, कि आपको दूसरे दूसरे मजहब के लोगों को, उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम में जो जन्म लिया है, जो उस वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे लाइक कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे, राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके, लेकिन नहीं नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो, नहीं तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो, नहीं तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही मार दिया सबका जाएगा। सब, हाँ सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चों से लगाव है, सभी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपना अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है, एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी।
तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था. लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है. ये रीजन था बट इस रीजन के बारे अच्छा में मैंने ये नहीं इस्लाम है। नहीं छोड़ा. नहीं, ये सब रीजन ओहो नहीं है. हो मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है. आई वॉज ओके। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद इस्लाम के. एंड लेकिन मैं लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती मैंग को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तारिक वो लोग मसूद को ना, सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए। अच्छा, क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ. क्योंकि मैं हमेशा लाइक जब मैं 14 या 15 ईयर्स की थी, तब तब मेरे दिल में सवाल था. मैं तभी से सवाल करती थी एंड मुझे अच्छा लाइक ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे और जो लॉजिकल हो. लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए. तो ऐसे बात नहीं है. एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मैन, इनमें वो अच्छे अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोली देता है कि इस्लाम में क्या है. तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है. जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता. वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है वो बोल के वो बात बा, बा, बंद कर देता है. जिसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है. सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फ्रंटेशन का डर है. उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है. उनको उनके दिल में कुछ और है. ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है. ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं. ओके, सो मैं तो ये सब डाउट था एंड ये सब डाउट था एंड इस सब के वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम. लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था. एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना, एक एक बात बहुत लाइक चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है. तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूँ, मैं अरबी ही सीखूँ. अब तो मैं एक्चुअली कुछ कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उस लाइक फिर मैंने एक्चुअली दूसरे रास्ता पकड़ लिया. तो मुझे यार मैंने अभी सीखा, अभी बंद कर दिया. लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊँ. अच्छा, तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक. हाँ, कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है बट आई एम नॉट लिविंग इस्लाम फॉर दैट. क्या अच्छा है जो भी हो. मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी. फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती थी. रही थी अच्छा, आप। हाँ, और है नहीं उतना बुरा नहीं है इतना, ठीक है ठीक है. अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ. 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. मेरा मतलब विच आई वुड कॉल स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एंड उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से. एंड बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट नेचर, अबाउट पीपल, उनके जो लाइक साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक कैसे 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 लोग, कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंट लाइक मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है. मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा. और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कंप्लीटली बदल गया. एंड लेकिन वो नजरिए से, जो आपका नया नजरिया था, वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों. अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट बट नथिंग एल्स. ओके, तो व्हाई पीपल. अच्छा, पहला सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं. तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है. नंबर वन रीजन. नंबर टू रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है किसी धर्म के, किसी और धर्म के उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है. नंबर थ्री, उनको कोई जरूरत है लाइक उनको शायद दो शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है तो उसने इस्लाम ले लिया,
और शायद किसी को एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अपनी जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो नंबर वन रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। आप ओके आप देखो कि लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50, 60, 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो एंड अपनी अपनी तरह से जिए, लेकिन बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, अचानक से वो रिलीजियस होता है। बहुत होता है ये, बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उसना विश्वास नहीं था और रिलीजन मानने का उतना कोई चार नहीं था उनको, अभी अचानक से, ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है, अब लाइक 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कन्फर्म है। 20 साल का लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको लगता है कि अगर अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, अगर है तो मैं अब क्या करूंगी, तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके लिए उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है एंड जो भी उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या काम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक है फियर और एक है ग्रीड। जब जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा और उनको जो मतलब जो चीज उनको डर या डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ लॉजिक नहीं है, लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जानना नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। तो ये है एक जनरल बात। तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एक्सिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला खुला के मैं बोलू, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमीन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने ने बनाया, अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है, एंड जो कुछ भी एक्सिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट, 100%। अच्छा तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। तो अच्छा आप अगर इसके बीच कोई सुपरिस्टिका लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा आप बंद कर लीजिए। जी, जी जी ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा, आज हमारे भाई जो है थोड़ा है। हाँ वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जांपल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे, ओके हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, क्या बोलो क्या बोलो, चैनल के नए मेंबर बने हैं बहुत शुक्रिया, आप पहले वो निपटा लीजिए। हाँ, हो गया, अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से है लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से है। सुनती हूँ ना बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा गाना बना। अच्छा बॉलीवुड सुन सुन के आपको हिंदी आपकी अच्छी हो गई है कुछ। हाँ बांग्ला वो लोकल वहां की जो लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या बोलो क्या बोलो, हिंदी में बोलो, आप हिंदी में बोलिए मैं बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं।
यार एंजल जी कुछ बोलने के लिए बोलिए, ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक हाँ. फेक मजहब सबसे घटिया आप बोलिए इस्लाम एक फेक फेक मजहब है। क्या? अच्छा, ইসলাম ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম. अच्छा तो भाই समझ লোক में जो बांग्ला जानता है, नहीं मैं नहीं मुझे बांग्ला नहीं आती, मुझे सिर्फ पंद्रह पंद्रह पच्चीस इतना ही आता है, उससे ज्यादा बांग्ला मेरे को नहीं आती है। अच्छा ठीक है. আমি আচ্ছা ঠিক আছে, মানে বাংলা মে কুছ বলতি হুম. আচ্ছা, আমি আজকে এই সাহিল সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি. আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে. জি वाह वाह वाह। अच्छा आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है, मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे, एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार या कैसा है बांग्लादेश में? हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है. वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन कुछ कुछ लोग तो ज्यादा कट्टर होते हैं एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता. लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है. एट द एंड ऑफ द डे वो लोग मुस्लिम ही है. तो उनके दिल में कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फील्ड है, वो शायद अपने धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है. लेकिन वो ऐसे दिखाता नहीं. लेकिन एंड उनके अभी जिस बात एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे ऐसे बात किया जाता है वहाँ पे. एंड उनके मुस्लिम, वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं. लेकिन इसको ना अब अच्छी नजर से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है. और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो, इंटरनेट पे वो, फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है. और इस सब बात सुन सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट एंड चेंजिंग फॉर द रॉन्ग, फॉर द बैड एक्चुअली. एंड उसकी तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टर आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है. ओके गुड ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहां का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं लोगों के अंदर, जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द हाँ एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके जी अलावा जी सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी ऐसा ही है. अब सुन पा रहे हैं ओके मेरी ठीक बात? है जी जी हम सुन रहे हैं, अच्छा आगे अच्छा आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा तो अच्छा तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने बनाया, लाइक अल्लाह ने बनाया है, तो उस टाइम पे अब मुझे बताओ कि, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एग्जिस्ट? क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या नहीं? फिर से सवाल के करिए। अच्छा, जो ऐसे कोई चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर या नहीं? सकता है, नहीं कर सकता. हाँ नहीं ऐसा कर कोई सकता। कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं नहीं रह सकता। आपकी आवाज चली गई है तहमीन जी। गाइस तहमीन जी जो है वो काफी इंटेलिजेंट है और बड़े ही जबरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं, आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ हेलो. जाती है, सैफ्रोनिस कह रहे हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा चूंकि नहीं, आपकी आ रहा है, आवाज चली गई आवाज आ रहा थी। है. अच्छा अच्छा हाँ ठीक है अभी ठीक आ है, रही है, बोलिए. बस 1 मिनट दीजिएगा। सैफ्रोनिस कह रहे हैं, फ्रूट सेड दैट आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज द ह्यूमन नीड चेंजेस फ्रॉम सेक्सुअल टू स्पिरिचुअल, डज दिस हैपन विद मोमिन ऑल्सो? हाँ यही सैफ्रोनिस जी अभी यही बता रही थी ना वो तहमीन जी जो है, उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है जो एक इंसान, खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी इंजॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है उनकी दाढ़ी आ जाती है,
वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाजें ढंग से पढ़ने लगते हैं, तो उसी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाकई में जहन्नम है तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और फिर वो दूसरे को भी डराने लग जाते हैं कि दूसरे को भी डराने लगते हैं, खुद वो ना करते हैं और दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा करो। वो ना जिलासे की वजह से होता है। हाँ हाँ, कि उनको अब तो मैं मजा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मजा ले रहे हो, तुम भी मेरे तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ही नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा। जी अच्छा इंडिया जी, एक मैसेज आपके लिए है। मैम अमी अपनार फैन हो गए गेलम, अपनी अनेक आगे जबेन, आप ही पढ़ दीजिए, मैं शायद सही से उसको नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है ठीक है, वो बोल रहे कि आपके फैन हो गई, आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, क्या नाम है उनका? इंडिया। थैंक यू सो मच।